हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड कॉर्नर पर। मैं रीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ रागी के हलवे की रेसिपी। रागी बोले या फिर महाराष्ट्र में नाचनी बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, तो आप उसे देखिए। और वो आप रागी जो है वो आयरन का एकदम भरपूर सोर्स है, जो बच्चों के लिए भी हेल्दी है, बड़ों के लिए भी हेल्दी है। तो हम आज उसका हलवा बनाएंगे जो सबको बहुत पसंद होता है, नॉर्मली हलवा मीठी चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रागी का हलवा बनाना। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार मेरे चैनल को दीजिए। रागी का हलवा बनाने के लिए हमने ली है पिसी हुई रागी, या आप मार्केट से आटा ले आइए या फिर इसको घर में लाके और भूनने के बाद में पीस के भी रख सकते हैं। और उसके बाद एक छोटी कटोरी हमने ली है सूजी। दूसरी साइड हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रख देनी है और फ्लेम चालू कर देनी है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है घी। ये देखिए इतना आप उसमें घी डाल दीजिए और इसको पिघलने देना है। घी गर्म होने के बाद में आपको इसमें रागी डालनी है, जो रागी का पाउडर है आपके पास में, और साथ में ही आपको सूजी मिक्स करनी है और उसको धीरे धीरे चलाते हुए, जैसे हलवा हम बनाते हैं उस हिसाब से हमें इसको चलाते रहना है। घी को एकदम अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए और इसको चलाकर धीरे धीरे सेक लीजिए। इसको आप कंटिन्यूस चलाते रहिए, छोड़िएगा मत, नहीं तो जो आपका ये पाउडर है और ये सूजी है ये जल जाएगा। इसको सेकते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और इसका कलर देखिए ऐसा हो गया है, चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन कलर इसका आ गया है। और इसके बाद हमें 2 मिनट और इसको सेकना है। ये हमारा सीख चुका है और जब आप इसे सेकेंगे ना तो आपको खुद से खुशबू आने लगेगी इसमें सीखने के बाद में, तो आपको पता चल जाएगा कि रागी और सूजी हमारी अच्छे से सीख चुकी है। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। आप इसमें पानी गर्म ही लीजिए, ठंडा मत डालिए, क्योंकि रागी में ना लम्स पड़ने के चांस रहते हैं। रागी में बहुत जल्दी लम्स आते हैं, तो आप जब इसे हिलाएंगे तो अच्छे से हिलाइए ताकि इसमें लम्स ना आए। और गर्म पानी ही आप इसमें यूज़ करिए, ठंडा पानी मत डालिए। इस तरीके से देखिए इसको आप हिलाते रहिए। इस पर हम इसको लगातार चला रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं आए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बना है। रागी जो होता है वो आयरन का सोर्स होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए भी हेल्दी ही है। अगर आपको मन हो तो बच्चों को आप ये मीठा बना के दीजिए, चॉकलेट टॉफी से बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी है, जिससे आपके बच्चों को आयरन मिलेगा। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। कटोरी का साइज़ देखिए ये है, आप ये कटोरी का साइज़ इसमें ले लीजिए, जो आपने रागी का लिया था वही साइज़ सेम कटोरी चीनी ले लीजिए। आप इसको अच्छे से मिला दीजिए जब तक आपकी चीनी अच्छे से पिघल ना जाए। ये हमारा रागी का हलवा बनके तैयार है। अगर आप चाहते हैं, छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, तो इसमें पीस के आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिए क्योंकि बच्चों को थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप इसमें बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें कट करके डाल दीजिए, और अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं। और अगर आप ये गर्मा गर्म उनको खिलाएंगे तो गर्मा गर्म खिलाइए, अदरवाइज आप उनको इसके पीसेस बना के, मैं आपको बताती हूँ कैसे आप बना के देंगे ना, तो इसका कलर देखिए एकदम चॉकलेट के जैसा है, तो उनको चॉकलेट की बर्फी बोल के भी आप खिला सकते हैं। ये देखिए आप या तो इस तरीके से गर्मा गर्म बच्चों को परोस सकते हैं या फिर ऐसे बर्फी का शेप आप दे दीजिए, उसको ठंडा करके कट कर लीजिए और बच्चों को सर्व कीजिए। बच्चे बहुत चाव से मांग मांग के आपसे खाएंगे। तो चलिए आप इसे घर पे बनाकर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा।